बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। सो स्टूडेंट, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज गिवन एज व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, एंड एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैसेज बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं, लूज़ भी करते हैं और शेयर भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आयोनिक इन नेचर। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो क्यों आयोनिक इन नेचर होता है? इसलिए आयोनिक इन नेचर होता है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है उसमें उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देता है, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और नेगेटिव आयन बना देता है। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई। सो बिल्कुल जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया सेम उसी तरह से इसका आंसर है, क्यों आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनमें एक एलिमेंट पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, उसकी वजह से उनके दरमियान में थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ जस्टिफाई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना, वो सेम होती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, वाई? सो आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, इसलिए क्योंकि उनके उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, आपने इसमें ये लर्न कर लेना है, चाहे यहाँ से लर्न कर लें चाहे चैप्टर में से लर्न कर लें, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एट लीस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। सो टू नेसेसरी कंडीशंस जो गिवन हैं, एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एक तो एलिमेंट जो है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एटम शुड बी वेरी स्मॉल और ज़ीरो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एलिमेंट्स के दरमियान में बहुत स्मॉल होना चाहिए या फिर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं शुड शेयर द इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट को शेयर करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ गिवन, व्हाई HCl हैज़ डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो HCl फॉर्म्स अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली एटम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स देयर एग्जिस्ट अ डायपोल इन द मॉलिक्यूल, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, हेंस डायपोल फोर्स
intermolecular forces exist between HCl molecule because due to the difference of electronegativity between two atoms. ये हमारे पास HCl का molecule है, दोनों की electronegativity में difference है, so इस electronegativity difference की वजह से इनके दरमियान में polarity create हो जाती है, चूँकि ये two pole बना देते हैं जिसकी वजह से इसे dipole attraction का नाम दिया जाता है. Like ये आपके पास एक pole है, ये कंप्लीट लाइक हाइड्रोजन और HCl मिलके क्या बना रहे हैं, एक डायपोल बना रहे हैं. अब ये वाला डायपोल इस वाले डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसे डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. सो इसकी डेफिनेशन ये गिवन है और ये इसकी एग्जांपल है, ये आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ये गिवन है, चाहे आप इसे यहाँ से लर्न कर लें या चैप्टर में से, ये आप पे है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर. सो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. के कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर क्यों बन जाता है? सो इसका आंसर सिंपल है कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब टू एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा जो एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एटम्स जो होते हैं उनमें पोलैरिटी क्रिएट होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस इज़ लेस डेंस एज कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर, इसलिए आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गिव द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड. सो ये प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, ये हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज डू द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव. सो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की हैं. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटम्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं. सो इसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एटम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, मुस्तहकम होने के लिए और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बेसिकली इनर्ट नोबल गैसेस के जो बेसिक एटम्स हैं उनके साथ मैच करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक क्यों होता है. क्योंकि एक एटम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है, जिसकी वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इस तरह से दोनों ओपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोनिक कंपाउंड्स ठोस होते हैं, वजाहत करें. सो इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं जब वो आपस में मिलते हैं उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो 3-डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस आते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड बेसिकली उनके दरमियान में जो आयोनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, वजाहत करें. ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्यों? सो मेटल्स जो हैं वो बेसिकली मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर है, आयोनिक कंपाउंड सोल्यूशन या पिघली हुई शक्ल में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्यों? सो उनमें फ्री आयंस एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में किस किस्म का बॉन्ड बनता है, सो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फर्क करें तो इसका आंसर ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए दरकार कम से कम 2 जरूरी शराइत बयान करें। सो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दर्जल शराइत बेसिकली होती हैं, एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, बाहम मिलने वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तकरीबन बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, HCl के अंदर डायपोल फोर्सेज क्यों पाई जाती हैं? इस वजह से पाई जाती हैं क्योंकि उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जब टू एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो दूसरा एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये एक डायपोल बन गया। अब ये वाला डायपोल इस डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मिसाल से वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में आप ये लिखेंगे, चाहे आप यहाँ से लर्न कर लें या चैप्टर में से, ये आप पे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान फ़र्क करें, दोनों की वजाहत के लिए एक मिसाल दें। सो इसका आंसर ये गिवन है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है, क्योंकि उसके दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो पोलर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या बेसिकली फ़र्क है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी होती है, और पोलैरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही पोलैरिटी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एटम्स के दरमियान में पोलैरिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। सो आइस जो है वो बेसिकली हल्की होने की वजह से पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, आयोनिक कंपाउंड की महसूस खसूसियात बयान करें। सो ये आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स की खसूसियात हैं, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस की हैं और यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सी मखसूस खसूसियात पाई जाती हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे।